राजकुमार वाणी पधार रहे हैं। नमस्कार पिताश्री। अरे बेटा वाणी, तुम यहाँ कैसे? ऐसे ही मुले ना आपका दलबाल देखना था। गुरु देखो तो, बाप बोलना शुरू करे तो खत्म होते होते साल बदल जाता है। और बेटा बोले तो समझने में साल बदल जाएगा। पिताश्री वो कौन है? उन्होंने अपने सलपल क्या लिखा है? बेटा वो हमारे न्यायमूर्ति हैं। उनका नाम है दामोदर शास्त्री। चलो उनको प्रणाम करो। हाँ दामाडोल शास्त्री जी प्रणाम। पिताश्री पिताश्री उसका नाम क्या है? इसका नाम है चपड़ गंजू। चपल मंजू जी प्रणाम। बेटा वाणी तुम जरा चुप रहो। नहीं नहीं महाराज, उसे बोलने दीजिए, कितना प्यारा बच्चा है। दामोदर शास्त्री जी, मेरा वाणी 12 साल का हुआ है, मगर फिर भी वो तोतला सा बोलता है, इसीलिए उसे मैं दरबार में नहीं लाता, ताकि उस पर कोई ना हंसे। गुरु, गुरु अब हमें अपनी होशियारी दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। क्यों और कैसे? कभी तो अक्ल का इस्तेमाल करो गुरु। या ये काम भी मैं ही करूं? गुरु तुम हो या मैं? तुम बताते हो या गुरु? मिर्ची खाने से अच्छे अच्छे तोते भी बोलते हैं, तो ये बच्चा क्या चीज है? सोचो गुरु सोचो। मिर्ची। महाराज मैं आपके बेटे का तोतलापन दूर कर सकता हूँ। क्या सचमुच तुम इसे ठीक कर सकते हो? जी हाँ महाराज, हमारे पास इसका जालिम उपाय है। अगर मेरा बेटा ठीक हुआ तो मैं तुम्हें 5,000 सुवर्ण मुद्राएं और 100 घोड़े इनाम में दूंगा। महाराज हम आज ही इस पर अपना इलाज शुरू करेंगे। हाँ हाँ जरूर। चलो गुरु। ये मिर्च लो बेटा। बेटा वाणी चलो मुंह खोलो और जल्दी से मिर्च खाओ। नहीं टकल मुंजू, मुझे मिर्च नहीं खानी, मुझे तो वो तीखी लगती है। चुपचाप मुंह खोलो। नहीं नहीं मुझे नहीं खानी मिर्च। नहीं देखो, ये ऐसे नहीं खुलेगा मुंह। चपड़ गंजू इसका नाक दबाओ, बराबर मुंह खुलेगा। अरे अरे ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? महाराज महाराज मैंने कुछ नहीं किया, सेनापति ने राजकुमार के मुंह में मिर्च डाल दी। अरे बताया तो तूने ही था ना। चुप रहो, इन दोनों को मौत की सजा दे दो। मौत की सजा? नहीं महाराज, नहीं महाराज। जी
जी, दामोदर शास्त्री जी, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा सकते हो। अरे अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, हुआ क्या है ये तो बताओ। हमें एक कल्पना है, अपने बीच। अच्छा अच्छा, आप दरबार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये बात, तुम दोनों निश्चिंत रहो। गुरु, इन्होंने तो पगड़ी तिरछी कर दी है। वाह 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 वाह। राजवैद्य जी, राजवैद्य जी। दामोदर शास्त्री जी, प्रणाम। कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? राजवैद्य जी, हमारे महाराज का बेटा वाणी तोतला बोलता है, क्या उसके तोतलेपन का कोई इलाज है? दामोदर शास्त्री जी, आम तौर पे जिन बच्चों की जुबान के नीचे का पर्दा बहुत मोटा होता है वो तोतले बोलते हैं, इसका इलाज होता है। अच्छा, तो आज तक आपने क्यों नहीं किया? दामोदर शास्त्री जी, वाणी बचपन में बहुत बीमार रहता था, उसके उस बीमारी में उसके तोतलेपन का इलाज करना इतना आसान नहीं था, और अब उस पर उन दवाइयों का कोई असर नहीं होगा। तो क्या वो ठीक नहीं हो पाएगा? अगर मैं कहता हूं वैसी कसरत उसकी जुबान से करवा लें तो वो ठीक हो सकता है। हाँ हाँ बताइए। सुनिए, महाराज। हाँ? आपके वाणी का तोतलापन मैं ठीक कर सकता हूँ। क्या? हाँ, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? महाराज, आपके राजकुमार के ठीक होने के बदले आप सेनापति और चपड़गंजू की मौत की सजा वापस लेंगे। ठीक है दामोदर शास्त्री जी, मगर एक बात ध्यान में रखें, अगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ तो जो सजा मैंने उन्हें सुनाई है वही आपको दूंगा। जी महाराज, मुझे मंजूर है, मगर आपके बेटे को ठीक करने के लिए मुझे 8 दिन का अवधि चाहिए। ठीक है। अच्छा बेटा वाणी, अब तुम अपनी जुबान नाक को लगाओ। शाबाश, बहुत अच्छा। देखा। अरे चप्पड़ गंजू, ये तो वाणी से जुबान नाक को लगवा रहा है। अरे गुरु, इसे कुछ सीधा काम नहीं आता क्या? क्या वो राजकुमार को नाक से बुलवाएगा? अच्छा बेटा, अब ये लकड़ी तुम्हारे मुंह में रखो ऐसे। अब बोलो बोलो। मेरा नाम वाणी है। नीचे उतरो, नीचे उतरो जल्दी। अरे मेरे को चूहा काट रहा है। दामोदर शास्त्री जी। जी महाराज। क्या मेरा बेटा वाणी सचमुच ठीक हो गया है? वो तो अभी पता चल जाएगा महाराज। आओ बेटा वाणी। वाणी कुछ बोलो बेटा। महाराज, वाणी से कुछ संस्कृत के श्लोक कहलवाएं तभी हम माने। वाह गुरु वाह, कभी तुम्हारे बाप ने संस्कृत पढ़ी है जो वो पढ़ेगा? चुप चुप चुप। जी हाँ महाराज, मैं संस्कृत के श्लोक कहलवा लूंगा, मगर अगर वाणी ने वो श्लोक ठीक तरह से कहे तो इन दोनों को भी वही श्लोक कहने होंगे। कहेंगे कहेंगे। ठीक है वाणी, चलो गायत्री मंत्र कह के दिखाओ। ओम भूर्भुव
स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे वाह वाह वाह, राजकुमार वाणी की जय हो, महाबुद्धि दामोदर शास्त्री की जय हो। वाह दामोदर शास्त्री जी वाह, मैं आपका ऋणी हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें 5,000 सुवर्ण मुद्राएं और 10 घोड़े देता हूँ। धन्यवाद महाराज, पर एक बात तो आप भूल ही गए। और वो क्या भला? गुरु और चपड़ गंजू अब गायत्री मंत्र कहेंगे ना? कहो गुरु और चपड़ गंजू जी। गुरु आप शुरू करो, मैं आपको साथ देता हूँ। गुरु ओम 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 ओ